प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो कमेंट थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स चैप्टर है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्वेश्चन नंबर वन। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो है इसका थ्योरी अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लेंगे कैसे कैसे एंट्री होता है। क्वेश्चन कहता है क्रेता की पुस्तकों में जर्नल आवश्यक खाते भी खुलना है आपको, ठीक है ना। डॉक्टर सिन्हा ने जनवरी 8 को मारुति लिमिटेड से एक मारुति कार क्रय की है, रोकड़ मूल्य 1,12,000, क्रय किस्त भुगतान प्रणाली पर है, प्रतिस्मिता पर हस्ताक्षर के समय 12,000 रुपये नकद चुकाए जाते हैं, शेष 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 40,000 करके चुकाए जाते हैं, 10% की दर से ब्याज लगाना है और ह्रास जो है 20% घटती शेष विधि से लगाना है। डॉक्टर सिन्हा की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, उनकी पुस्तकों में आवश्यक खाते भी दिखाइए। चलिए तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना है इंटरेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ लिखते हैं कैश प्राइस दिया हुआ है 1,12,000, लेस कर देते हैं डाउन पेमेंट, ये भी दिया हुआ है 12,000। अब उसका कितना बच गया आपके यहाँ 1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 का जो है आपको लगाना है 10% डेप्रिसिएशन, लिखेंगे 1,00,000 का 10% डेप्रिसिएशन, सॉरी इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट लिखते हैं। तो ये हो गया 10,000। इंस्टॉलमेंट कितना है 40,000 है, 40,000 में इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ जो है ना इंस्टॉलमेंट लिखते हैं 10,000 माइनस कर दो इंटरेस्ट, ये हो गया 30,000। 30,000 यहाँ ला के माइनस करेंगे हम, अब उसका बच गया आपके यहाँ 70,000। फिर आपको निकालना है 70,000 का 10%, ये होता है 7,000। किस्त तो फिक्स है 40,000 है, लेस कर देंगे हम 7,000, ये हो जाएगा 33,000। 33 को यहाँ ला के माइनस करेंगे हम, ये हो जाएगा 37,000। तो लास्ट की इंस्टॉलमेंट है 40,000, उसका मेरे यहाँ है 37,000, डिफरेंस इंटरेस्ट कल आएगा 3,000, सभी इंटरेस्ट को जोड़ देंगे हम 10, 7, 17, 3, 20,000, ये कहलाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। आगे निकालते हैं डेप्रिसिएशन। मारुति कार 1,12,000 की है, माइनस 20% डेप्रिसिएशन, तो 1,12,000 का 20%, ये हो जाएगा 22,400। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे हम, तो ये हो जाता है 89,600। फिर निकालना है आपको डेप्रिसिएशन 20%, जो घटती शेष विधि है, तो 89,600 का हम निकालेंगे 20%, तो ये हो जाएगा 17,920। तो इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाता है 71,680। आपको 3 साल तक निकालना है, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करो, 71,680 का 20% 8×2=16, तो ये गुना भाग करने से हो जाता है 14,336, ठीक है। 3 साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। आइए अब एंट्री करते हैं जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर सिन्हा, चूँकि सिन्हा खरीदने वाला है, सिन्हा की पुस्तकों में आपको एंट्री करना है, फिर आपको लेजर खाते तैयार करने हैं। तो पहला एंट्री आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, पहला एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेट दिया हुआ है 2008 जनवरी 1। एसेट्स में क्या है, मारुति कार। अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, नाम दिया हुआ वेंडर्स का आप लिख सकते हैं, या मारुति लिमिटेड, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1,12,000, 20,000 का इंटरेस्ट, कुल आपको देना है 1,32,000। बीइंग कार परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम,
चलिए थोड़ा सा चाय ठंडी हो रही है। आगे है दूसरा एंट्री होता है डाउन पेमेंट करने का। तो ये जो डाउन पेमेंट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक, तो वेंडर का नाम दिया हुआ है मारुति लिमिटेड, तो यहाँ लिखेंगे हम मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? ये है 12,000, ये डाउन पेमेंट है। बीइंग डाउन पेमेंट, अब जैसे ही वर्ष का अंतिम दिन आएगा दिसंबर 31 आएगा, फिर आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना? यह है पहले साल इंटरेस्ट है 10,000, 10,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू। फिर आपको पेमेंट कर देना है मारुति लिमिटेड को, मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने का है? 40,000 का है। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, और फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है आपको। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कार, मारुति कार। कितना था पहले वर्ष में? 22,400, 22,400। और फिर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मारुति का, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को ही जो है पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसका एंट्री होता है लास्ट में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट है 10,000, डेप्रिसिएशन है 22,400, ये हो जाएगा 32,400। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसके साथ ही एक साल समाप्त हो गया। अब आपको करना क्या है, चूंकि 3 साल का एंट्री करना है, आप गाड़ी खरीद चुके हैं, गाड़ी खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ से लेंगे हम इंटरेस्ट, फिर पेमेंट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन, और लास्ट में क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ठीक है। आइए हम एंट्री को थोड़ा सा रेक्टिफाइड कर लेते हैं। ये था 31 दिसंबर 2008, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2009। तो अगले साल का एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। कितना था इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में? 7,000, यहाँ लिखेंगे हम 7,000, ठीक है, आप लोग अलग कीजिएगा। पेमेंट का सेम एंट्री हो जाएगा मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 40,000। डेप्रिसिएशन यहाँ निकाले हुए हैं सेकेंड ईयर का 17,920, यहाँ लिखेंगे हम 17,920 17,920। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इस इंटरेस्ट को और इस डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका एंट्री हो जाएगा 2009 31 दिसंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट है 7,000, डेप्रिसिएशन है 17,920, 7 × 14 = 24,920। इसका नरेशन सेम हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। इसके साथ ही 2 साल समाप्त हो गया। फिर आपको आना है 31 दिसंबर 2010 में, यहाँ भी आपको 4 एंट्री करना है। पहला एंट्री करना है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना था? 3,000 था, तो यहाँ लिखेंगे हम 3,000 DR में, 3,000 CR में, ठीक है।
फिर आपको पेमेंट करना है मारुति लिमिटेड को डेबिट टू बैंक, इंस्टॉलमेंट फिक्स है कितने का, 40,000 का, 40,000 40,000। फिर आपको करना है डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन को डेबिट टू मारुति कार, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है 14,336। यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरे साल में 14,336, 14,336। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है 3,000, डेप्रिसिएशन है 14,336, 14,336 जोड़ के 14 दिन 17,336, ठीक है ना। एंट्री खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक, उनकी पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो पहला खाता आपको तैयार करना है मारुति कार का, ठीक है, मारुति कार अकाउंट, मारुति कार अकाउंट। तो पहला एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मारुति कार, ठीक है ना। तो एसेट्स डीआर में है तो यहाँ पर लिखेंगे टू वेंडर, वेंडर का नाम दिया हुआ है मारुति लिमिटेड, 1,12,000, 1 जनवरी 2008। और फिर आपको जो है ना 1,18,000 को डाउन पेमेंट मिला है, वो ये मारुति कार का है ना, सॉरी, इसमें डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। तो जैसे ही वर्ष का अंत आया होगा एंट्री किए होंगे हम मारुति का, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कार, तो मारुति कार सीआर में है तो 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन पहला वर्ष में 22,400, 1,12,000 का गाड़ी है, 1,12,000 की गाड़ी है, 22,400 चला गया, 4, 6, 10, 2, 1, 3, 9, 12, 3, 8, 11, 89,600 इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ पर 1, 1, 2009 को टू बैलेंस बीडी 89,600। फिर जैसे ही दिसंबर आएगा 2009 फिर ह्रास लग गया, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 17,920, 89,600, 89,600 इसको इसमें घटा देंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी, 71,680 आया था, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 71,680। और फिर ये 1, 1, 2010, फिर यहाँ पर जो है तीसरे साल का 31 दिसंबर 2010 का, फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20%, ये गुना भाग किए हुए थे हम लोग, ये 14,336 आया था, 14,336, 71,680, 71,680 इसको घटाएंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी, ये आता है 57,344। इसका मतलब ये हुआ कि जो मारुति कार है ना, 3 साल काम करने के बाद उसका दाम बचता है 57,344, ठीक है। अब दूसरा खाता इसमें आपको तैयार करना है वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम दिया हुआ है मारुति लिमिटेड अकाउंट, मारुति लिमिटेड, यहाँ डीआर, यहाँ सीआर। तो फर्स्ट टाइम जो होता है ना वेंडर सीआर में होता है 1/1/8 को, इंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर सीआर में है ना, क्या लिखेंगे बाय एसेट्स, बाय एसेट्स का मतलब है बाय मारुति कार 1,12,000 और इंटरेस्ट सस्पेंस कितना आया था 20,000। अपने डाउन पेमेंट क्या है 1/1/2008 को टू बैंक अकाउंट कितना 12,000, और फिर वर्ष के अंत में आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है टू बैंक 40,000 का, 40,000 ये हो गया 1,32,000, 1,32,000 घटाएंगे हम 4, 5, 8, 13, 80,000 हो जाएगा, ये कहलाएगा टू बैलेंस सीडी, और 1/1/2009 को बाय बैलेंस बीडी 80,000। और फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 2009 को आपने पेमेंट किया है 40,000 का टू बैंक कितना
40,000, तो 80,000 में 40 आपने दे दिया, बचा कितना 40, तो टू बैलेंस सीडी कितना 40,000, और यहाँ पर जो है 1/1/2010 को बाय बैलेंस बीडी कितना 40,000, और फिर 31 दिसंबर 10 को आपने पेमेंट कर दिया 40,000 टू बैंक अकाउंट 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, इक्वल हो गया ना। चलिए, ये था आपका वेंडर अकाउंट, ये था एसेट्स अकाउंट। आगे आपको तैयार करना है इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस एक बार डीआर में होता है, याद रखिएगा। 1/1/2008 को पहला एंट्री हुआ था एसेट सेकंड डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस सेकंड डेबिट टू वेंडर। ये डीआर में है तो टू वेंडर कर देंगे। वेंडर का नाम दिया हुआ है मारुति लिमिटेड, कितना है 20,000। और जैसे ही दिसंबर आया होगा आपने एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, सीआर में आ गया ना, यहाँ लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट। कितना, पहले साल में 10,000 का ब्याज डेबिट करना था आपको, 20,000 में 10,000 चला गया, बचा कितना 10,000, जो बच गया बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी 10,000 1/1/2009 को। फिर जो है 31 दिसंबर 9 को फिर यहाँ बाय इंटरेस्ट अगले साल कितना 7,000, 10,000 में से 7,000 आपने डेबिट कर दिया, कितना इंटरेस्ट बच गया 3,000, जो बच गया बैलेंस सीडी, और फिर 1/1/10 को टू बैलेंस बीडी 3,000। फिर 31 दिसंबर 10 को फिर इंटरेस्ट लगा था 3,000, इक्वल हो गया, इसको यहीं लॉक करके हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में आप खाता बनाइए इंटरेस्ट अकाउंट का, इंटरेस्ट अकाउंट ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें सीडी भी नहीं होता है, डीआर सीआर। आप लोग ये कॉलम भर लेंगे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना, ये हम छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट जो है ना एक बार डीआर में होता है तो टू इंटरेस्ट सस्पेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस कितना 10,000, और एक बार सीआर में होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10,000। ये बराबर हो गया, यहीं डबल लाइन खींच के उसको लॉक कर दो, 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2008, फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 2009, फिर यहाँ पर टू इंटरेस्ट सस्पेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अगले साल 7,000, 31 दिसंबर 2009 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 7,000, बराबर हो गया, लॉक कर दो। फिर 31 दिसंबर 10 को टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना 3,000, और फिर यहाँ पर जो है 31 दिसंबर 10 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, इक्वल हो गया, इसको लॉक कर दो, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कमेंट मी विदाउट हेजिटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।